जी सर। सबसे पहले तो सबको राम राम। आज मेरे लिए पर्सनली जो है एक बड़ा हसर का विषय है कि मैंने जो ज़िंदगी में एक टारगेट रखा था उसका एक छोटा सा अंश जो है वो आज मैं अचीव कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम मैंने मेरी बहुत पहले की एक सोच थी कि इस मानव जीवन में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ अपने से, अपने दिल से, अपने मन से वंचितों के लिए कुछ ना कुछ काम करें। किस रूप में करें, कैसे करें, ये मेरे एक दिमाग में बहुत दिनों से उथल पुथल चल रही थी। सेवानिवृत्ति के बाद एक तरफ कोविड का कहर था, सामाजिक ताना बाना पूरा टूटा हुआ था, एक दूसरे से मिलना बड़ा दूभर हो रहा था। तो मन में ऐसा ही विचार आया कि क्यों ना इस अपने खाली समय को जो है वो किसी ऐसे अच्छे काम में लगाया जाए जिससे कि आगे वंचितों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक मैं छोटी सी सहायता भेंट कर सकूं। तो मैंने अपने ही घर में बैठ के जो है वो एक छोटी सी फूलों की नर्सरी जो है वो शुरू की, प्रारंभ की। धीरे धीरे जो है वो उसमें मेरे पौध जो है वो लगने लगी, जगह जगह फूलों का सप्लाई जो है वो छोटी मोटी स्कूलों में, पर्सनल घरों में गई। एक फूल के पौधे को बढ़ता हुआ देखते हुए दिल में एक बड़ी तसल्ली और एक खुशी का माहौल पैदा होता है। उस एक फूल के पौधे से जो है वो एक नहीं तीन तीन घर जो है वो महक उठते हैं। मेरा जो शारीरिक, क्योंकि अब रिटायर हो चुका हूँ तो शरीर भी कमज़ोर है, पर फिर भी उस शरीर को स्पुष्ट रखने के लिए जो फिजिकल अपना काम करता रहता हूँ। दूसरा, वो एक पौधा किसी के घर में जाके लगेगा, वो उस घर में फूलों की महक देगा। तीसरा, उस पौधे से जो पैसा अर्न किया है, जो कमाया है, वो किसी गरीब, किसी वंचित परिवार के होनहार बच्चों, जिनको, जिनकी पढ़ाई जो है वो पैसों की वजह से जो है वो रुक जाती है, छूट जाती है, या वो पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, उस उन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसी उद्देश्य के साथ जो है वो मैंने ये काम प्रारंभ किया था। और आज मैं बड़ी दिल से, मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आज 10-12 बच्चों को जो है वो आज 10th 10+1 और 10+2 के जो विभिन्न जिला चंबा के विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे होनहार बच्चे हैं उनको आज मैंने जो वो किताबों के पूरे एक एक सेट जो है वो उनको दिए। और उनसे आशा भी करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब वो अगली क्लास में होंगे तो ये जो बच्चे हैं वो किसी और बच्चों को जो है वो सेट जो है वो दे दे, ताकि और कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई से वंचित ना रहे। साथ में आगे मैंने ये भी सोचा है कि मैं इस कारोबार को बढ़ाऊं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वंचितों को जो है वो अपनी तरफ से एक सहायता कर सकूं। जब तक जीवन है तब तक मैं इसमें प्रयासरत रहूँगा। और भी से मैं एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है वो अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को किसी भी रूप में जो वो उनकी सहायता करें, ताकि बच्चे जो है वो पैसे के अभाव की वजह से जो है वो वंचित न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।